मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके 1 से 14 वीडियो तक की देख सकते हैं। ये 15th वीडियो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि RRB NTPC और RC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन हमने इसमें प्रीवियस पेपर से उठाए हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, 1 पुरुष 2 महिलाओं के कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष 20 महिलाएं कार्य के आधे भाग को, ध्यान दीजिएगा, कार्य के आधे भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य हम निकाल लेते हैं। आपको पता है कार्य बराबर होता है व्यक्ति इंटू समय, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या यहां पे कितने दी है, 10 पुरुष और 5 महिलाएं कार्य को कितने दिन में करती हैं, 60 दिन में। तो ये हमारा है कुल कार्य, ये क्या है, कुल कार्य है। तो एक कंडीशन और यहां पे दे रखी है, कंडीशन है कि 10 पुरुष 5 महिलाएं 60 दिन में जो करते हैं, लेकिन 1 पुरुष 2 महिला के बराबर, 1 पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के इक्वल कार्य करता है, ठीक है। तो इस डेटा को हम किस में बना ले, फीमेल्स में, 1 पुरुष 2 महिला, तो 10 पुरुष 20 महिलाओं के बराबर हो जाएगा, 5 फीमेल इंटू 60, 20 5 25 इंटू 60, ये क्या हो गया, कुल कार्य, ये है कुल कार्य। तो हम आधा कार्य निकाल लेते हैं, सबसे पहले आधा कार्य निकालते हैं, तो 25 इंटू 60 बटे 2 कितना आ जाएगा, 750 यूनिट। तो हमारे पास आधा का टोटल कार्य कितना है, 25 6 150, ये 1500, आधा कार्य 750, इसे कौन करेगा, इसे करेंगे 5 पुरुष 20 महिला। तो देख लीजिए, इसे करेंगे 5 पुरुष 20 फीमेल कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, पूरा डेटा फीमेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 पुरुष बराबर है 2 महिला, तो 5 पुरुष बराबर 10 महिला प्लस 20 फीमेल, टोटल कितनी हो जाएंगी, 30 फीमेल कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो हमारे पास टोटल का आधा कार्य है 750, तो 750 यूनिट को कौन करेगा, 30 महिलाएं, कितने दिन में, तो 750 बटे 30, 0 0, 3 2 6 3 5 15 25 दिन में, तो ये करेंगे 25 डेज में, ठीक है। ऑप्शन यहां पे नहीं है, तो ऑप्शन फिल कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें, पहला 25 डेज, ठीक है। तो गलती से यहां पे ये भी हो सकता है कि 50 डे हो जाए, कैसे, जब आधे भाग को कह रहा है ना, तो हम अगर गलती से यहां पे 1500 यूनिट ले लिया, 1500 को 30 से भाग दे देंगे, तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो आराम से करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आधे भाग, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाएं, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना कम दिन लगेगा। तो इसमें फार्मूला आप जानते हैं, M1D1 बराबर M2D2। अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया कि व्यक्तियों की संख्या को अगर हम दिन से गुणा कर देते हैं, समय से गुणा कर देते हैं, तो कुल कार्य मिल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, M1D1 बराबर M2D2, ये फार्मूला है। पंद्रह व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं 60 दिन में, तो यदि 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाए, तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 20, तो दिन समय कितना लगेगा, आप काट दीजिए, 20 थी 60 और 15 थी 45, तो 20 व्यक्ति 45 दिन में कार्य को करेंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है उसी कार्य को पूरा करने में कितना कम दिन लगेगा, कम दिन लगेगा, पहले कितना लग रहा है 60, पहले 60 था, अब लग रहा 45, तो कितना कम लग रहा है, 15 दिन कम लगेगा,
ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। बीस परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्ष का सीआई 5,280 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का सीआई है, तो देखिए हम एक बेहतरीन मेथड इसमें आपको सिखाते हैं। 2 वर्ष का सीआई की बात हो रही है, 20% ये दिया है, इसको परसेंट को रिमूव कर लें तो 20/100 हो जाएगा, काट देते हैं 20 1 कम 20, 20 5 100। ये यहाँ पे मूलधन है, पी है, और ये क्या है, सी आई है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, हमने यहाँ लिखा पी और यहाँ पे लिख लिया ए। फर्स्ट ईयर में मूलधन कितना है? 5, और 5 1 6, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6, मूलधन 5। तो 2 साल की बात हो रही है, अगर 2 साल की बात हो रही तो हम पावर 2 लगा दें यहाँ पे, 3 साल की बात हो रही तो पावर 3 लगा दें, 4 साल की बात हो रही तो पावर 4 लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो 2 साल की बात हो रही है, पावर 2 लगा दीजिए। 5 5 25, 6 6 36, तो मूलधन यहाँ पे कितना आ गया? 25, और मिश्रधन कितना है? 36। तो यहाँ से आप सीआई निकाल सकते हैं, तो सीआई कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे सीआई रियलिटी में कितना दिया है? 5,280। तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 5,280, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 11 चौके 44, ये 8 आ जाएगा, 11 8 88, 1 यूनिट 480 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन यहां पे कितना दिया है? 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा 480 × 25, 0 25 8 220, 25 6 100, 120, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सौ 45 मीटर लंबी ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में फाइंड करनी है। तो जब ट्रेन किसी ओवरब्रिज को या प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पुल में ऐड हो जाएगी, इन ऑब्जेक्ट्स में। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 145 प्लस 655, कुल दूरी। पांच पांच दस, पांच पांच दस, 6 7 8, कुल दूरी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 800 बटे समय कितना है? 36। तो ये आ गई चाल कैसी? मीटर प्रति सेकंड में। और आपको पता है अगर मीटर पर सेकंड से चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। मीटर पर सेकंड में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, तो क्या बन जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, 800/36 × 18/5, ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 18 दुना 36, 5 दुना 10, तो 1 0 यहां से हटा दीजिए, ये बन जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी इज करेक्ट। क्लियर है? संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। घटते क्रम में हमें दिखाना है,
तो घटते क्रम में क्या होता है, बड़ा नंबर हम पहले रखते हैं और उसके बाद छोटा नंबर, फिर उससे छोटा उसके बाद, फिर धीरे धीरे सबसे आखिरी में सबसे छोटा। क्लियर है? तो देखते हैं आगे, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। एक बात आपको पता है, चलिए थोड़ा हम क्लियर करते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट 8 मान लिया लिखा है, इससे सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 × 2 × 2 ऐसे कर लेते हैं। क्लियर? तो ये दो का जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा सिंगल टाइम, तो 2 √2 ये हम यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? अगर ये हमें पता है और हमें ऐसे ऊपर की तरफ सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हो जब ये नंबर अंदर जाएगा तो अपना कैसे बना लेगा, दो बार बना लेगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा अंदर। ये अगर 2 जाएगा तो कितना बना लेगा, अपने नंबर का जस्ट मल्टीप्लाइड टू इट सेल्फ। ठीक है? तो ये नंबर अगर अंदर जाता है तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 × 11 चुको 44 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 16 = 48 आ जाएगा, 3 × 9 = 45 हो जाएगा, 5 × 25 = 50। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला, तो वही ये नंबर सबसे बड़ा है, तो इसके सामने कौन सा नंबर है, 5√2। उसके बाद नंबर ये है, इसके सामने है नंबर 4√3, फिर 45 है, 3√5, और सबसे लास्ट में ये नंबर है 44, तो इसको लिख लेंगे 2√11। ठीक है? तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये घटता क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है? समझ में आया होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है तथा उसे 33.50 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, उसके द्वारा अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर दे रहे हैं, चाहे वो 25 लीटर की बात करे और चाहे 1 लीटर की बात करे, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, सेलिंग प्राइस ये कितना बता रहा है, 33.50, तो यहाँ पे 800 रुपये में 25 लीटर है, तो 1 लीटर की कितने में खरीदता था, 1 लीटर का सीपी निकाल लीजिए, 800 रुपये / 25, 25 × 100 तो 8 × 32 रुपये हो गया। 1 लीटर दूध का जो सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, 32 रुपये। 1 लीटर दूध की कीमत कितनी, 32 रुपये, तो अगर 1 रुपये दूध की कीमत है 32 और 1 लीटर दूध बेच कितने में रहा है, ये 33.50 में, तो यहाँ से कितना लाभ कमा रहा है, घटा लीजिए 1.50 का, तो भाई किस पर कमा रहा है, वो 32 पर। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100, रख दीजिए वैल्यू। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1.50/32 × 100, 0.02 बढ़ा लीजिए। क्लियर है? 4 से काट दीजिए, 4 × 8 = 32, 4 से यहां काट देते हैं, ये 25 हो जाएगा, 1 0 काट लेते हैं यहां। ठीक है? 25 × 5 = 125, 25 × 25 तो ये हो जाएगा 37/80। ठीक है? 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 × 24, 8 × 32, 4 बार जाएगा 32, यहाँ पे बचेगा 5, तो 8 × 48, 8 × 56, लगभग अप्रॉक्सीमेट में हम 7 बार में काट सकते हैं, तो लगभग 47 आ गया। तो भाई ये 47/10 आया, इसको आप 0 हटा दो, 0.1 लगा दो,
तो ये 4.7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4.7% प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट, एक आयताकार जलकुंड में 42,000 लीटर पानी है, उस जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करनी है। यदि इस जलाशय के आधार की माप 6 मीटर × 3.5 मीटर का मतलब है 6 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा है। तो मान लिया एक जलाशय है, जैसे ऐसा कुछ आधार है, उसका 6 मीटर ये लंबा है और 3.5 मीटर चौड़ा दिया है, ये इसकी कुछ गहराई है यहाँ पे। तो ये हमें गहराई निकालनी है, कितनी गहराई है, ऊंचाई मतलब। तो इसका आयतन बराबर होता है L×B×H। ये घन के शेप में बन जाए, घनाभ के शेप में बन जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का मतलब है कितना पानी इसमें होल्ड करेगा, तो वो आयतन ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो मान लिया इसकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दे रखा है 6×3.5×H। ये टोटल कितना दिया है? 42,000 लीटर। एक चीज यहां पे क्लियर करनी है आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर। तो इस लीटर को हमें मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर बराबर अगर हम निकालें तो ये बन जाएगा हमारा 1/1000 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो इसको हम 1000 से भाग दे दें तो ये बन जाएगा डेटा मीटर क्यूब में, अब सॉल्व हो जाएगा। तो H बराबर ये हो जाएगा 42/6×3.5, डिवाइड कर दिए 6 × 7 = 42, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 35 × 70, 2 मीटर ऊंचा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a^-1 + b^-1 / a^-2 - b^-2, इसको हल करना है। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको हमने पढ़ाया होगा, अगर a^-m दिया है तो इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में क्या लिख सकते हैं, 1/a^m। अगर घातांक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा 1/a + 1/b / 1/a² - 1/b². क्लियर है? आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा b + a / ab। ए बी एलसीएम ले लिया, b का गुणा यहां पे, a का यहां, डिवाइडेड बाय यहाँ पे b² - a² / a² b², ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा b + a / ab। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा, a² b² / b² - a² नीचे आ जाएगा। तो और हम इसको चेंज कर, b² - a² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b + a b - a। फैक्टर भी साथ साथ हमने कर लिया, तो ए बी को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे और b + a को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास बचता है ab / b - a। तो हमारा आंसर करेक्ट है ab / b - a। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 55 छात्रों वाली एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान पसंद है, 29 छात्रों को गणित अच्छा लगता है, यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय प्रिय लगता है तो ना होने का कोई चांस नहीं है इसमें, कम से कम एक विषय जरूर अच्छा लगता है। तो टोटल छात्र है 55, इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं,
ये हमारा है साइंस का और ये वेन डायग्राम है गणित का। साइंस पसंद करने वाले 40 छात्र हैं और मैथमेटिक्स पसंद करने वाले 29 छात्र हैं कुल मिला के। क्लियर है? और दोनों विषय नहीं पता है तो दोनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो ये पार्ट है, साइंस और मैथ दोनों पसंद करने वाले का। तो एक काम करते हैं ना, हम इसका जो ओवरलैपिंग पार्ट मान लिया है एक्स है, ये टोटल सर्किल है 40, 40 से अगर एक्स घटा दे तो ये वाला पार्ट सिर्फ साइंस का आ जाएगा, सिर्फ साइंस का। तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टोटल ये घेरा क्या है सर्किल मैथमेटिक्स के लिए, 29 में से अगर इतना पार्ट हटा दें तो ये कितना बचेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स 29 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कम से कम एक विषय जरूर प्रिय लगता है, तो इसका मतलब ना होने का कोई चांस नहीं है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 55 छात्र, 40 माइनस एक्स प्लस दोनों पसंद करने वाले एक्स है प्लस 29 माइनस एक्स, ये कुल मिला के बनता है 55। एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, 40 और 29 ऐड कर देंगे 69 माइनस एक्स बराबर 55। तो यहां से 69 माइनस एक्स बराबर, सॉरी ये नंबर इधर ले आते हैं, माइनस 55 बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 घटा देंगे 4, 14। तो ऐसे छात्र जो दोनों मैथमेटिक्स और साइंस दोनों पसंद करते हैं वो कौन कौन से हैं, 14 छात्र हैं। क्लियर है? इसी का एक और पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमने दे दिया है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये यहां पे क्वेश्चन नंबर वही है और इसमें सिर्फ कितना पूछा है, ये क्वेश्चन नया है, कितने छात्रों को केवल केवल मतलब सिर्फ विज्ञान अच्छा लगता है। तो ये टोटल किसका है सर्किल, साइंस का, विज्ञान का। तो इसमें से एक्स जो है वो 14 आया है, अगर हम ये 14 क्या करें यहाँ से माइनस कर दें तो ये वाला हमारा पार्ट निकल आएगा, ये पार्ट किसका है, सिर्फ साइंस का। तो 40 से हम कितना घटा दें, 14, तो यहाँ आ जाएगा 40 से 14 घटा देंगे 26 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे यहाँ तक की 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट मैथमेटिक्स की हम एक सीरीज जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, प्रीवियस पेपर से मोस्टली क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा वे ऑफ टेक्निक टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।